जय जिनेन्द्र। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन हमें जीवन में अनंत गुण विकसित करने के भाव जागृत करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी व्रत की क्या कथा है और इस व्रत को क्यों और कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। एक बार विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समुचरण आया था। राजा सैनिक भगवान की वंदना के लिए वहां पहुंचे। भगवान की प्रदक्षिणा देकर राजा सैनिक जैसे ही बैठे, तभी एक रूपवान राजा समुचरण में आया और उसने भगवान को नमस्कार करके जय जयकार किया। उसे सुनकर राजा सैनिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने आश्चर्य को प्रकट करते हुए सैनिक ने गौतम गर्दर से प्रश्न किया, स्वामिन यह क्या कह रहा है और यह कौन है, मुझे यह बताइए। गौतम स्वामी बोले, यह विजयनगर नगरी के राजा मनोकुंभ तथा रानी श्री सती का अरिंजय नाम का पुत्र था, जो बड़ा पुण्यवान और गुणवान है। इसने पूर्व जन्म में बड़ा तप किया था, जिसके प्रभाव से यह इस जन्म में सुखों को प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार है। कौशल देश में सोम शर्मा नाम का एक गुणवान ब्राह्मण रहता था, जिसकी सौमिल्या नाम की स्त्री थी। इस ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में पाप संचय किए थे, इसीलिए इसे नगर नगर मारा मारा फिरना पड़ता था, किंतु कहीं भी इसे सुख प्राप्त नहीं होता था। एक बार एक स्थान पर अनंतनाथ भगवान का समुचरण आया हुआ था। यह ब्राह्मण समुचरण में भगवान के दर्शन के लिए पहुंचा और दर्शन करके पूछा, हे भगवान, मैंने बड़े भारी पाप किए हैं, जिससे मुझे यह दुख उठाने पड़ रहे हैं। भगवान ऐसा उपाय बताइए जिससे इन दुखों से मुझे छुटकारा मिले। ब्राह्मण की बात सुनकर गर्दन ने उत्तर दिया, विप्र तुम अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। ब्राह्मण बोला, यह व्रत कैसे किया जाता है और इसका क्या विधान है। गर्दर बोले, भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को स्नान करके भगवान का पूजन करना चाहिए और गुरु को भाव वंदना करके इस तरह की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, त्रिकाल जिनेन्द्र पूजन करें, गीत नृत्य पूर्वक भगवान का अभिषेक करें, रात्रि जागरण करें। इस प्रकार 14 वर्ष तक लगातार यह व्रत करने के बाद इसका उत्साह पूर्वक उद्यापन में शक्ति पूर्वक शास्त्र दान करें। यदि उद्यापन की शक्ति ना हो तो दूना व्रत करें। विप्र और उसकी पत्नी ने इसी के अनुसार व्रत किए। इससे उनके सारे दुखों का नाश हो गया और अपने अंतिम समय में संन्यास मरण करके वह 34 वर्ष में मैदिक देव और उसकी पत्नी देवी हुई। वहां से चलकर यह अरिंजय हुआ है। उसने ही आकर अभी भगवान को प्रणाम किया है। एक दिन राजा अरिंजय अपने सिंहासन पर सुख से बैठा हुआ था, तभी उसने देखा कि एक बादल आया और थोड़ी देर में वह छिन्न भिन्न हो गया। उसे देखकर राजा ने सोचा, अहो, मनुष्य का जीवन भी इस बादल की तरह चढ़भंगुर और चंचल है, मेरे जीवन का भी क्या भरोसा कब यह समाप्त हो जाए, इसीलिए शेष जीवन में तो आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। यह सोचकर राजा ने राजपाट पुत्र को सौंपकर मुनि दीक्षा ले ली और घोर तप कर कर्मों को नष्ट किया और सिद्ध शिला पर जा विराजमान हुआ। इधर रानी ने भी व्रत धारण किया, जिसके प्रभाव से वह अच्युत स्वर्ग में देव बनी और वहां से चलकर राजा बनी। यथासमय उसने भी मुनि दीक्षा ले ली और मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार जो भी इस व्रत को धारण करता है, वह स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त करता है। जय जिनेन्द्र।